लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ मुंबई में अपने भैया के पास में। अभी हम आज जाने वाले हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग मतलब मैं घर जाने वाला हूँ तो खाने पीने का सामान लेने जा रहे हैं, ठीक है। डी मार्ट जा रहे हैं, दिखा दें आपको। रूम से बाहर आ गए हैं। अभी यहाँ पे हम यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो और फिर जाएंगे कल्याण, ठीक है। दिखाते हैं आपको हम किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे। ओके, अभी यहाँ थोड़ा चल के आगे चल के जाने से हम लोग यहाँ पे ऑटो पकड़ेंगे। ऑटो से जाएंगे सीधा हम डी मार्ट। ओके, चलते हैं। ये है मुंबई की भीड़, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा। अभी इधर रोड क्रॉस नहीं कर सकती, ज़्यादा गाड़ियाँ चलती रहती है कंटिन्यू, और रात का टाइम तो आप बिल्कुल रोड क्रॉस नहीं कर सकते। इधर तो थोड़ा लोकल एरिया पर ज़्यादा करी, और चल के जाएंगे आप कल्याण साइड में तो उधर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। चलेंगे कल्याण, दिखाएंगे आपको वहाँ पे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। अभी हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं, यहाँ से चलेंगे अभी कल्याण। मगर दिखाते हैं आपको। थोड़ी देर में हम लोग डी मार्ट पहुंचने वाले हैं। देख सकते हो आप, हम लोग ऑटो से उतर गए हैं। अभी यहाँ से हम चल के जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा आगे है डी मार्ट। हम लोग ऑटो से इस साइड इसलिए उतर गए कि वो जो ऑटो है कल्याण स्टेशन के साइड में जाएगा। और हमें 5 मिनट चल के जाना पड़ेगा तो आएगा डी मार्ट। ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट चल के जाना पड़ेगा। 5 मिनट हम आराम से करके चले जाएंगे। रात के 8:30 बज रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, भैया का डे ड्यूटी था तो इसलिए उनको आने में लेट हो गया। और भैया से मैंने पूछा था आप ब्लॉग में आओगे तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं उनको ब्लॉग में नहीं ले रहा हूँ। और कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो आएंगे ही। और ठीक है, चलते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी तो मार्च ही चल रहा है, मार्च में ही हाल है मुंबई में, तो आगे पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ी देर में हम डी मार्ट पहुँचने वाले हैं। देख सकते हो बहुत सुंदर है। अभी ये तो कुछ नहीं है, मेन सिटी में जाएंगे तो नाइट के टाइम में तो और ख़तरनाक दिखेगा आपको। अभी जाने का टाइम नहीं है, आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। और इधर है पेट्रोल पम्प, आप ये भी भरा सकते हो। हम डी मार्ट आ चुके हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और अभी मुझे तो लग रहा पहले वहाँ पूछना पड़ेगा वीडियो बनाने का अलाउ है या नहीं है, ठीक है। ये है डी मार्ट और चलेंगे हम इधर से अंदर। चलेंगे हम लोग डी मार्ट के अंदर। पता है आपको, ये वीडियो मैं बहुत छुप के बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग एंट्री के टाइम में है। और इस वजह से मैंने पूछा था कि आप यहाँ पे हम लोग अंदर इसके अंदर वीडियो बना सकते, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो मैं ये वीडियो बहुत छुप के बना रहा था कहीं वो लोग देख ना पाए। लोगों ने सारा सामान ले लिया। अभी हम लोग यहाँ बिल काउंटर पे खड़े हुए हैं। अभी यहाँ से बिल करा के हम सीधे निकल जाएंगे बाहर। ये डी मार्ट, हम लोगों ने सारा सामान ले लिया। मुझे लग रहा था कि उसके अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं रहेगा। मैंने उधर गया पूछा तो उन्होंने कहा कि अंदर आप अंदर वीडियो नहीं बना सकते हो, तो अंदर तो वीडियो नहीं बनाया। देख लो आप बाहर का व्यू। तो सारा सामान लेके वापस आ गए, और वापस मतलब बाहर आ गए। उसके बाद हम लोगों ने गया पानी और पानी पूरी,
अभी यहाँ भी कुछ लेना है। अब भैया गए हैं अंदर, दिखाते दुकान को। भैया गए हैं इसके अंदर, उन्हें कुछ और चॉकलेट वगैरह लेना है। मैं इधर ही बाहर ही खड़ा हूँ। ये है मुंबई की गलियाँ, देख सकते हो आप। अभी गया था और इसने पूछ के आया कि इधर वीडियो बना सकता है क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है आप वीडियो बना सकते हो पर हमारा मत लेना। ठीक है चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो डीमार्ट के अंदर हम लोगों ने, मैंने वीडियो नहीं बना पाता था, मैंने दूसरे शॉप में आया था, तो मैं यहाँ पे मैं सोचा थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ। यहाँ पे भी हमें थोड़ा कुछ खाने पीने का स्नैक्स वगैरह या चॉकलेट वगैरह लेना था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। ये मेरे भैया और उनके फ्रेंड यहाँ पे सब लोग सामान निकाल रहे हैं। और भैया को मैं कैमरे में नहीं ले रहा क्योंकि उन्होंने मना किया था मुझे कैमरे में मत लेना, तो मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पे कितने सारे खाने पीने का सामान रखे हैं। अभी हम यहाँ से जो हमें पसंद है हम उसको उठा रहे हैं। और यहाँ पे भैया यहाँ से चॉकलेट वगैरह ले, जो अच्छे चॉकलेट हो वो यहाँ से निकाल के ले रहे हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पे एक्चुअली क्या चॉकलेट तो बहुत सारे टाइप के हैं, आपको बहुत सारे टाइप के यहाँ पे चॉकलेट ले सकते हो। और यह इस वाले शॉप पे आपको स्वीट भी मिलेगा, स्वीट भी ले सकते हो यहाँ पे। नमकीन कितने सारे चॉकलेट नमकीन वगैरह यहाँ पे हैं, इधर ये स्वीट वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हो आप। इस साइड में सारे स्वीट लगे हुए हैं, सारे के सारे स्वीट हैं। इधर नमकीन वगैरह है, इधर स्नैक्स है। ये इधर खड़े हैं भैया और उनके फ्रेंड हैं, जो जो चॉकलेट टॉफी वगैरह पसंद आ रहा है वो लोग यहाँ से ले रहे हैं, देख सकते हो आप। काफ़ी बड़ा शॉप है। और क्या लेगा ये है भैया, इनकी शॉप है। हेलो बोल लीजिए। हेलो इधर आपको कोई भी स्वीट वगैरह चाहिए, स्वीट चॉकलेट टॉफी बिस्किट वगैरह चाहिए तो आप इधर आके ले सकते हो, आपको अच्छे दाम पे मिल जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हो आप। वहाँ का नहीं बना पाया तो इधर का मैंने बना लिया और अच्छा लग रहा। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है अभी और यहाँ से हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाहर। ओके जो सामान लिया है सारे सामान को हम लोगों ने यहाँ पे बैग में रख के यहाँ पे रख दिया है। देख रहे हो आप यहाँ पे कितनी सारी चॉकलेट है, बस मन कर सारी की सारी उठा लूँ। यही वो शॉप है जिस शॉप पे हम लोगों ने सारे सामान को लेके भी आ रहे हैं। लोगों ने सारा सामान ले लिया है, अभी हम यहाँ चलेंगे बस स्टॉप, वहाँ से पकड़ेंगे ऑटो, उसके बाद चलेंगे फिर वापस घर। चलते हैं दिखाते हैं आपको। अभी तो जबकि मैक्सिमम बहुत सारी दुकानें बंद हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, 9:30 से ज़्यादा हो गया रात को। ठीक है चलते हैं। ये है डी मार्ट, अभी हम लोग सारा सामान यहीं से लेके आए हैं पर ये लोग वीडियो नहीं बनाने दिए, इससे थोड़ा मुझे कम अच्छा लगा। ठीक है चलेंगे अभी हम आगे। इधर भैया लोग अभी चल के जा रहे हैं क्योंकि ऑटो यहाँ से नहीं मिलेगा, ऑटो के लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, तो हम थोड़ा चल के जाएंगे। ये है वही पेट्रोल पंप जो आपको अभी इसके पहले मैंने दिखाया था, देख सकते हो आप। यहाँ के पेट्रोल पंप की जगहें बहुत कम होती हैं, हमारे गांव के पेट्रोल पंप देख लेंगे तो उधर एक दो गेस्ट हाउस खोल सकते हो आप, इतनी जगह होती है हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पे। ये हमारे भैया हैं पर इनका फेस नहीं दिखा सकते, इन्होंने मना करा है। ठीक है चलते हैं हम आगे। ये सारे ऑटो वाले आ रहे हैं पर कोई रोक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जब सब लोग पूछते हैं कि यहाँ जितना हम बता रहे थे सब लोग चले जा रहे हैं। देख रहा हूँ वाह कितने सारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं। एक्चुअली क्या हम कपड़े तो मैंने इसके पहले ही ले लिया था लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। ठीक है और कोई बात नहीं, शू वगैरह मांग चाहिए था, देखिए शू वगैरह अच्छे दाम पे लेना हो तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो।
जाके। तो ये जो सामने ढाबा दिख रहा है और गुरुदेव इधर का माना जाना हो ढाबा है, आपको यहाँ पे अच्छे दाम पे खाना वगैरह मिल जाएगा। तो हम लोग अभी बैठ गए ऑटो में, फैमिली ऑटो हम लोग को मिल गया, अभी यहाँ से जाएंगे सीधा गोवाना का। शिवाजी आपको जो पीछे दिख रहा है ये शिवाजी चौक है, इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था शिवाजी चौक। यहाँ पे शू लेडीज लोग के कपड़े की दुकान यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पे भी सूप कितनी बड़ी शॉप है, देख सकते हो आप। आपको सामने दिख रहा है ये दुर्गाड़ी चौक है, कल्याण से आप कल्याण से आएंगे तो गोवानाका जाने के टाइम आपको ये चौक मिलेगा, देख सकते हो आप रात में कितना सुंदर दिखता है। आगे हम लोग ये ओवर ब्रिज क्रॉस करके कौन गांव में तभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। तो मैं अभी लेफ्ट में ही हूँ, थोड़ी देर बाद हम ऑटो से उतरने वाले हैं। तो हम लोग आ गए हैं गोवानाका, अभी यहाँ से हम लोग ऑटो से उतरेंगे। आगे रोड क्रॉस कर लिए, उसके बाद अभी हम जाएंगे रूम पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो हम लोग आ गए रूम पे, आप देख सकते हो हमने कितना सारा सामान खाने पीने के हम लोग यहाँ पे लाए हैं। ये हमने 2 कार्टून रखे हैं, सारे सामान को इस कार्टून में भर के फिर हम वापस यहाँ से घर लेके जाएंगे। देख रहे हो आप कितना सारा सामान लेके आया खाने पीने का।